How to use JK Bank e-banking? Hello guys, welcome to Matchless Tech Channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप JK Bank की e-banking को यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, किस तरह से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप मिनी स्टेटमेंट या फुल स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके पास नेट बैंकिंग का अकाउंट नहीं है तो आप ऊपर आई बटन पे वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से जाके आप इजिली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है लेकिन आपको पासवर्ड याद नहीं है या भूल चुके हैं या किसी कारण आपने पासवर्ड रीसेट करना है तो वहाँ आई बटन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, जैसे हम बैंक पे जाके स्टेटमेंट निकालते हैं, वो सिर्फ अगर आपने करना है तो आप एक अलग से वीडियो हमने उसके लिए बना रखी है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे हाउ टू यूज JK बैंक ई बैंकिंग और सारे जो स्टेप्स है, सारे जो उसमें फंक्शनैलिटीज है, उनको हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और सबसे पहले हम सर्च करेंगे JK बैंक ऑनलाइन। तो जैसे ही आप jkbankonline.com लिखेंगे तो आपके सामने JK बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, उस पर आपने क्लिक करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा होगा तो आपको रिटेल लॉगिन पे पूछा जाएगा, तो यहाँ से हम रिटेल लॉगिन करते हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो आप आई बटन पे वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको ID और पासवर्ड पूछा जाएगा, यहाँ से आप यूजर ID डाल के लॉगिन कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर अपना पासवर्ड दे दीजिएगा, जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा। एंड उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर इस वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने आपके अकाउंट्स की कुछ डिटेल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप सबसे पहले आप अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर चेक करेंगे। जितने भी आपके JK बैंक में अकाउंट्स होंगे वो सारे आपके शो किए जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों आप अकाउंट्स चेक कर सकते हैं कि कितने हैं आपके चल रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ से कुछ आपको फंक्शनैलिटीज मिलती हैं, वो सब हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू ऑल अकाउंट्स। अगर आपके पास 2-3 अकाउंट्स है तो आप सारे यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम जरा यहाँ पर वे ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ही अकाउंट है जो कि शो हो रहा है। तो अगर आपको दोस्तों अब फंड ट्रांसफर करना है, जैसे मनी ट्रांसफर होता है हमारा, तो यहाँ से दोस्तों आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर करना बहुत ईजी है, जैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन में करते हैं या अदर एप्लीकेशंस को यूज करके करते हैं, सेम उसी तरह आप फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कंप्लीटेड ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रखी है। जैसे हम मिनी स्टेटमेंट देखते हैं, सेम उसी तरीके से एक आपको ट्रांजैक्शन डेट्स दिखाए जाते हैं कि आपने कौन कौन से ट्रांजैक्शंस किए हैं। तो यहाँ से आप अपना अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं, डेबिट अकाउंट, उसमें से आप अपना अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद आप डेट दे सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप ट्रांजैक्शंस की डेट और ट्रांजैक्शन आप देखना चाहते हैं कि कहां कहां से आपने की है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपने की है। तो जैसे ही आप कुछ यहां पर डेट डालेंगे, आपके सामने जो भी अगर आपने ट्रांजैक्शन की होगी तो आपको यहां से नीचे दिखाया दिया जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आप डिटेल्ड स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। डिटेल स्टेटमेंट अगर आप निकालना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आई बटन में आपको वो मिल जाएगी। वहां से जाके आप जिस तरह आप बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं, सेम उसी तरह आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहां से दोस्तों हम बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हम एमपे एप्लीकेशन में बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है बिल पेमेंट्स, यहाँ से आप बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे कर सकते हैं, जिस तरह से हम गूगल पे पेटीएम एप्लीकेशंस में ऑलरेडी करते हैं। तो यहाँ से आप JK बैंक की ऑफिशियल साइट को यूज करके वो सारे बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। तो उसके बाद डिपॉजिट में आते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने जो भी डिपॉजिट्स होंगे वो आपको शो किए जाएंगे। इन्वेस्ट योर एडल्ट फंड्स इन डिपॉजिट अकाउंट्स एंड वॉच योर मनी ग्रो। तो डिपॉजिट यहाँ से मतलब जैसे हम स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, सेम यहाँ पर उसी तरह का एक प्रोसीजर है, जिसे हम FD फिक्स्ड डिपॉजिट या जिस तरह से हम बैंक में पैसे रखते हैं, तो यहाँ से भी आपको वो ट्रांजैक्शंस दिखा दिए जाएंगे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो चलिए फिर से हम डैशबोर्ड में चलते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो भी आपको यहाँ शो किया जाएगा। तो अभी हमने कोई लोन इस तरह का नहीं लिया है तो हमारे यहाँ शो नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर आप टैक्स भी पे करना चाहते हैं, डायरेक्टली यहाँ से भी टैक्स पे कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम एमपे का यूज कर सकते हैं, और इस तरह से दोस्तों हम JK बैंक नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है यूज करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो
यहाँ पर दोस्तों आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, लॉग इन पासवर्ड एक्सपायरी डेज 54, तो यहाँ पर आप 90 डेज के बाद जब भी आप पासवर्ड रखते हैं तो 90 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद 90 डेज के बाद हमें फिर से रखना पड़ता है। तो अगर आपके पास 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं तो आई बटन में आपको पासवर्ड रीसेट की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने देख लिया किस तरह से हम जेके बैंक ई बैंकिंग को यूज कर सकते हैं और हमने सीखा किस तरह से हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।